थाना पागबड़ा के समाथल रोड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक निजी चिकित्सालय में अस्पताल स्टाफ और तीमारदारों के बीच में मारपीट की सूचना क्षेत्र में फैली। जिसने भी ये समाचार सुना वे दौड़कर निजी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। लोगों ने वहां जाकर देखा तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहे थे। मरीज के तीमारदार द्वारा फोन पर दी गई सूचना के बाद पागबड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को थाना पागबड़ा बुला लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार पागबड़ा के रहने वाले एक परिवार द्वारा अपने बेटे की गर्भवती बहू को डिलीवरी के लिए निजी अस्पताल लाया गया था। उनके क्षेत्र की आशा द्वारा गर्भवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर द्वारा नॉर्मल डिलीवरी होने की बात कही गई, लेकिन विवाहिता के परिवार द्वारा आरोप लगाया गया कि डॉक्टर द्वारा उनकी बिना अनुमति के ही ऑपरेशन कर दिया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो डॉक्टर और उनका स्टाफ हाथापाई पर उतारू हो गया। शिकायतकर्ता परिवार का ही कहना था कि उनके साथ मारपीट भी की गई है और अस्पताल में पड़े लाठी डंडे इस ओर गवाही दे रहे थे कि यहां पर आपस में काफी मारपीट हुई है। पीड़ित परिवार के सदस्यों से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया इनको एक्चुअली में ये प्रेग्नेंट थी, लास्ट स्टेज थी, और एक दाई है पुष्पा जो इनका कॉन्टैक्ट था जो यहाँ पे लेके आई इसको, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि नॉर्मल है सारी सिचुएशन। अब इन्होंने डॉक्टर साहब आए रात को, अंदर गए, अचानक में इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। है जी, डॉक्टर साहब का नाम का मेरे को पता नहीं है, उस दाई का नाम याद है पुष्पा जिसने ये कांड किया है, पर डॉक्टर ने, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एकदम से बिना पूछे बिना परमिशन के ऑपरेशन कर दिया मेरी बिना जानकारी के। डॉक्टर साहब कहने लगे, जब मैं इनसे पूछा रिपोर्टें मांगी तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं अपने आप ही क्या नाम बिना पूछे मरीज का ऑपरेशन कर देता हूँ। मैंने इनको बोला, मैंने कि आप ऐसा कैसे कर दोगे, मैंने इनकी ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग बना ली उसी टाइम, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है जब ये बात कह रहे हैं, ठीक है, सबूत के साथ। फिर उन्होंने क्या किया, मैंने जब इनसे सबूत मांगा कि भाई मेरे को मेरी रिपोर्ट दो, मेडिकल रिपोर्ट जो कि सारी नॉर्मल थी, मैंने सारी प्रॉपर रिपोर्ट करवा रखी है। उसके बाद ये अंदर गए, डंडे निकाल के मेरी पूरी फैमिली वालों के ऊपर इन्होंने डंडे बजाए, मेरे ऊपर डंडे बजाए, मेरे ससुर साहब के, मेरे पापा के ऊपर जो भी बीपी के पेशेंट है, 60 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, उनसे बोला नहीं जाता, उनके दो डंडे मारे उन्होंने, मेरे भैया के डंडे मारे उन्होंने, मेरे साले के डंडे मारे, नकुल, गुड्डू, अंकित, ठीक है, मेरी बहन के उन्होंने डंडे मारे, अर्चना के। मैंने शिकायत अभी पुलिस कंप्लेंट करी है, पुलिस आई है और वो अंदर बातें कर रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को जायज इंसाफ मिले, जो भी है, ठीक है, जो हर जाना है मेरे को वो मिलना चाहिए, और इस तरीके का जो क्राइम इस हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है वो ये हॉस्पिटल के अंदर दोबारा क्राइम ना हो और ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी केसेस हैं अगर आप आगे देखोगे अभी भी सारे ऑपरेशन है। डॉक्टर ये कहता है कि मैं बिना ऑपरेशन के बच्चा पैदा नहीं करता, ये कहाँ का असूल है? जब जिस औरत का बच्चा नॉर्मल है तो आप ऑपरेशन कैसे कर दोगे बिना 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 उसकी फैमिली के परमिशन के? अगर उसकी वाइफ मर गई ऑपरेशन थिएटर पे तो क्या करोगे आप? यहाँ पे मेरे भाभी के ऑपरेशन होना था, यहाँ मतलब बच्चा होना था, मैं तब यहाँ आया, देखा तो इन्होंने बिना किसी से परमिशन के ऑपरेशन करा दिया, ठीक। हमने ऑपरेशन उनसे बोला इनसे कि तुमने बिना ऑब्जेक्शन, हमने ऑब्जेक्शन किया, ऑपरेशन क्यों करा तुमने? तो ये बोलते कि हमने अपनी मर्जी से करा, ठीक। हमने इस बात का ऑब्जेक्शन करा, इन सब ने बदमाश बुलाकर उनको लट बजाए। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब देखो पहले मेरे लट मारा यहाँ, तो 12-13 लड़के बुलाए थे इन्होंने मारने के लिए, देखो लट ये पड़े हैं यहाँ पे, और हम सबको बाहर गए, बाहर तुम्हारा फैसला होगा, बाहर इकट्ठा करके हमें सब पे लट बजाया इन्होंने। क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि हमारे को बिल्कुल न्याय हो, सबकी बातें रखी जाएं, तब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा कराई जाए। अपनी बेटी के लिए इलाज के लिए आया था मैं यहाँ पे रात को 3:15 बजे के टाइम पे, और हुआ ये था कि हमें छोटा ऑपरेशन बता दिया कि सब कुछ नॉर्मल था कल शाम तक, और जो दाई लेकर आई थी यहाँ पे उन्होंने नॉर्मल बताया। रात को 3 बजे टाइम पे बच्चे को लाइटिंग हो गई पेट में, तो वो उन्होंने कह दिया बच्चा पलट गया है, मैंने चलो चल रहे हैं अस्पताल। अब कहते हैं कि छोटा ऑपरेशन होगा दूरबीन वाला, अब पता नहीं कौन सी दूरबीन के पास वो दूरबीन दिखलानी है, समझे। इन लोगों ने, हम लोग बात कर रहे हैं, डांट साहब भी कुछ उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, फिर बच्चे भी उल्टी सीधी आ गए। यही है कि इन लोगों ने जबरदस्ती पेट काट का ऑपरेशन कर दिया, और पता नहीं छोटा ऑपरेशन तबड़ा ऑपरेशन कर दिया बच्चा निकालने के लिए, और नॉर्मल था सब कुछ, सारी रिपोर्ट आएगी नॉर्मल। हुआ क्या, इन लोगों ने डांट साहब हैं अंदर डंडे निकलवाए और 4-6 बदमाश बुलाए, वो ऊपर रहेंगे। हाँ वो यही है कैंसुल, हम ऑपरेशन नहीं चाहते थे, सब कुछ नॉर्मल था, इस बात पे बात हुई। अब इन लोगों ने डंडे लेकर गए, हमारा छोटा दूसरा लड़का है उसने उसका हाथ तोड़ दिया, बहुत मारपीट इन लोगों ने मारा, ये देखिएगा डंडे दिखलाओ आप।
वहीं निजी चिकित्सालय के डॉक्टर द्वारा कहा गया कि मरीज के तीमारदारों द्वारा उनके लेडीज स्टाफ से अभद्र व्यवहार किया गया है और छिड़खानी जैसी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आपस में मारपीट हो गई। लक्ष्मण सिंह नाम है मेरा और ये लोग जो है पेशेंट मेरे अस्पताल में भर्ती हुए थे सुबह अर्ली मॉर्निंग, और भर्ती होने के बाद सब कुछ स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, जच्चा बच्चा स्वस्थ है, और इन लोगों को सारी कंडीशन बता भी दी गई थी क्या क्या कंडीशन है पेशेंट की। बता रहे हैं कि पहला बच्चा इनका नॉर्मल है, लेकिन इस बार क्या था, बच्चे ने मेकोनिया में एक पानी पास कर दिया था और लैटरिन के अंदर पेशेंट को ये बात क्लियर की थी कि ऑपरेशन छोटा होना या बड़ा, वो क्लियर कर रखा है, इस पर पूरा हमारे पास रिटन कंसेंट है हमारे पास। उनका आरोप है कि आपने छोटा ऑपरेशन, रिटन कंसेंट है पूरा, और इनके भाई ने साइन किए थे, इनके हस्बैंड जो पेशेंट के हस्बैंड है वो आउट ऑफ स्टेशन थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग आए, किसी बात को लेकर कोई इशू नहीं था इनका, और जो इशू बना इन्होंने हमारे नर्स के संग अभद्रता करी, उसका नर्स का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर पूछा, वो इंजेक्शन लाने गई कि आपके पास क्या डिग्री है, तो उसने कहा मैंने GNM कर रखा है मैंने, तो उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन बाद में उसको गंदी निगाह से कंटिन्यू देखता रहा और बाद में उसके संग अभद्रता करी, छेड़खानी करी, जिसकी शिकायत उस नर्स ने मेरे से करी, और जब मैंने उनसे बात की तो ये यहाँ भी अभद्रता करने लगे मेरे चैम्बर में आकर के। इसके जवाब में काफी लाठी डंडे अभी देखे, लाठी डंडे सब लोग लेकर आए, किसने की, क्यों की, कैसे, ये सब बाहर के लोग हैं, पेशेंट के साथ वाले अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, उनकी तरफ से कोई इशू नहीं था, जो लोग बाहर के आए हुए हैं जो नशा करके आए हुए हैं, दारू पी के ड्रिंक करके, उन लोगों ने अभद्रता करी और फिर लाठी डंडे लोग ले आए और मैंने अस्पताल का गेट बंद करा दिया और पुलिस को फोन भी किया तत्काल। मैंने किया था थाना प्रभारी को, पागड़े को मैंने फोन किया था कि सर ऐसे से कुछ लोग अभद्रता कर रहे हैं, जब तक पुलिस आई इन लोगों ने काफी मारपीट हमारे स्टेशन कर दी, लड़कियों से भी मारपीट करी है, उनके भी इन लोगों ने अवस्था करी है, जो लड़कियां मैंने एक अलग कमरे में बंद करा दी। नहीं, उनका कहना है डॉक्टर लोगों ने हमें बंधक बना लिया और बंद कर लिया। नहीं, बंधक नहीं बनाया, क्योंकि गेट बंद नहीं करते तो उनके सामने 50 लोग बाहर हरा झंडा लेके, और ये भी कह रहे हैं कि हम लोग गोली मार देंगे डॉक्टर को, स्टाफ को, ये पुलिस को आपने बुलाया क्या, आपने लिखित में कोई तहरीर एप्लीकेशन? हाँ, वो तहरीर अभी हम लोग दे रहे थे और अभी लोग हम लोगों ने तैयार कर ली है, अभी हम लोग जाएंगे थाना और थाने में अपनी बात रखेंगे, और जो नर्स हमारे यहाँ काम कर रही हैं वो अपने बयान दर्ज कराएंगे और अपनी हम लोग देंगे कि इनका ये इशू था, और अभी इनका पेशेंट का कोई पेमेंट भी हमारा नहीं है, कुछ नहीं है। कितना खर्चा आपने बताया इनको? 15,000-16,000 रुपए इनको बताए थे, और उसमें सब कुछ इंक्लूड है, और पेशेंट का रिटर्न कंसर्न हमारे पास है, उनके सारे अंगूठे लगे हुए हैं और कोई इशू नहीं है, सब हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और अंदर भी इनके डबल जगह अंगूठे, भाई था मौजूद, पेशेंट का जो भाई मौजूद था उसने इसमें अंगूठे लगा रखे, रिटर्न कंसर्न है, ये सब चीज है, बस इतनी कहना चाहेंगे, बकाया पुलिस जांच कर रही है, जो भी सामने आता है उस पर कार्रवाई की। कुल मिलाकर पागबड़ा के इस अस्पताल में मारपीट की घटना को लेकर हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच करने की बात कही जा रही है और अपराध सिद्ध होने के बाद कानूनी कार्यवाही की बात कही गई है।